लोग जो हैं यहाँ पर इस ट्रेन को देखने के लिए उनकी भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ी है, इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करते हैं आगे भी कि ये किस तरह का एक्सपीरियंस उनको देखने को मिल रहा है। आप देखिए पूरी ट्रेन को सजाया गया है, कुछ यहाँ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? यास्मिन। यास्मिन जी, ये बताइए कि कैसा लग रहा है सफर करके? क्या आप सफर करने आई हैं या देखने आई हैं ट्रेन? नहीं, देखने आई हूँ फिलहाल, लेकिन इंशाल्लाह आगे करूंगी सफर। हाँ, कैसी लग रही है ट्रेन आपको भुज में? बहुत अच्छी लग रही है भुज में, जज रही है भुज के हिसाब से। को देख कर अच्छा लगा ट्रेन को? जी बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? सुहाना। सुहाना, ये बताइए कि इस तरह की ट्रेन पहले कभी देखी भुज में? भुज में नहीं देखी, लेकिन वंदे भारत देखी। जी हाँ। और क्या सफर करेंगी इसके साथ? हाँ इंशाल्लाह। कितना फायदा होगा, खास तौर पे कम समय में आप अहमदाबाद पहुंच जाओगे? ऐसे भी कम लगने लगेगे, और रही बात तो समय भी बहुत कम लगेगा इसमें। अच्छा, इसमें हाँ। फैसिलिटी एयर कंडीशन दी गई है, सारे कोच एयर कंडीशन। जी मैं देखा ही, बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। आपको भी ठीक लग रही है? हाँ हमको भी अच्छी लग रही है। क्या कहेंगे मोदी जी से? हाँ बस वही बोलेंगे, ऐसी तरक्की करते रहे और सबके लिए सब बनाते रहे, सगोड़ करते रहे, और क्या। वो तमाम महिलाएं हैं जो आप देख रहे हैं, कुछ और महिलाएं भी हैं। कैसी लगी ट्रेन? बहुत अच्छी है। अच्छी है, आप बताओ कैसी है? बहुत अच्छी है। क्या अच्छा लगा इसमें? सब अच्छा है। अच्छा है। तो देखिए सच सच के तैयार हो चुकी है, ये है वंदे भारत रैपिड रेल, जो कि मेट्रो रैपिड रेल जो है, नमो भारत रैपिड रेल जो है वो तैयार हो चुकी है। पूरे फूल फ्लावर्स के साथ इसको सजाया जा चुका है, बड़ी संख्या में लोग इसको देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो अब चलते हैं ट्रेन के सफ़र पर, और सफ़र के दौरान हम आपको बताएंगे कितनी स्पीड है, कितना समय लगा इसको अहमदाबाद पहुँचने में, और जो बताया जा रहा है फैसिलिटीज़ वो किस तरह से काम कर रही हैं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं नमो भारत रैपिड रेल के साथ। हमें इस समय भुज में, भुज से सफ़र होगा अहमदाबाद के लिए। कुछ महिलाएं इस समय हमारे साथ में हैं, वंदे भारत मेट्रो और जिसे कह रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल, किस तरह से ये सफ़र होगा महिलाओं का, आप ये बताइए किस तरह से लग रहा है आपको? पूरा आपने देखा ट्रेन को? हाँ ट्रेन को पूरा देखा, बहुत ही अच्छी सुविधा है इसमें। और क्या है ट्रेन का? वंदे भारत नमो एक्सप्रेस। नमो भारत रैपिड रेल। रैपिड रेल महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है, अकेले भी सफर कर सकती है, यदि ऑफिस का कुछ काम हो या कोई भी हाउस होल्ड काम हो तो अहमदाबाद तक जा सकती है, और शॉपिंग इजी हो जाएगा हमारा अहमदाबाद। अभी कितनी दिक्कत थी, अभी क्या परेशानियां थी? अभी तो सब लोग ये खुले दरवाजे थे तो चढ़ रहे थे ऐसे ही आदमी, इसमें कोई ऐसा वैसा नहीं चढ़ सकता। बस में भी सफर करते थे दिक्कत? बस में तो 2000 रुपए ले रहे थे, ऑन में टिकट भी नहीं मिल रही थी। अगर अब बीच से जाना हो रिजर्वेशन के बिना तो भी नहीं जा सकते थे। 455 रुपए में। आप बताइए आप ठीक हैं, आपका सफर? इस ट्रेन से सहूलियत यह हो गई है हम लोगों को कि हम सुबह जाके रात को वापस भुज आ सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत सेफ्टी के साथ, सेफ्टी के साथ और विथ एसी। आप बताइए क्या लग रहा है, कैसा लगा ये? सर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और मोदी जी को स्पेशल थैंक्स, क्योंकि हम अभी अहमदाबाद पहले सुबह में जा सकते हैं और रात को फिर रिटर्न हम घर से आ सकते हैं। वैसे ये कच्छ जिला जो है वो हमारा बहुत दूर है अहमदाबाद से, तो आठ या नौ घंटे लगते हैं। तो कैसी ट्रेन लग रही है? अच्छी लग रही है, खराब लग रही है? ऐसे कह रहे? अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ। अच्छा लगा, मतलब फ्रंट लुक अच्छा लग रहा है, सेफ्टी है, बैठने में सब अच्छा है। देखिए इस तरह से तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर बता रही हैं ट्रेन के बारे में, किस तरह की ट्रेन है। हलचल बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग बड़ी संख्या में यहाँ ट्रेन को देखने के लिए आए हैं, और अब ट्रेन की रवानगी जो है धीरे धीरे शुरू होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन।